और हमें बहुत पसंद आ रहा है। हाँ तो ये उठाना नहीं, बैग नहीं रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। हेलो एवरीवन, और आज हम लोग आए हुए हैं एक मौज इवेंट में, जो कि मौज ऐप की साइड से इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। अभी मैंने एक आर्ट वर्क क्रिएट किया हुआ है, वो बस मैंने ऐसे बना दिया है, वो एकदम शो हो रहे हैं, और अभी कुछ एब्स्ट्रैक्ट में फॉर्म ट्रायंगल टाइप वो करते हुए। हेलो एवरीवन, और आज हम लोग आए हुए हैं एक मौज इवेंट में, जो कि मौज ऐप की साइड से इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि अंबर या पुष्पांजलि है द्वारका लिंक रोड पे एक बैंक्वेट है वहाँ पे है, और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, आप लोग देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लगा, हम लोग की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कैनवस भी हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोगों को पेंट करके कुछ दिखाना होगा, अब देखते हैं क्या बनेगा। और यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, एक प्रज्ञा है और एक सब में आए, तो ये लोग भी आर्टिस्ट हैं, काफ़ी अच्छा काम है कैलीग्राफी में। सो अभी देखते सबका टैलेंट क्या होता है, तो हम सब लोग मिलके काम करेंगे, और अच्छा लगा। बाकी देखते हैं, जैसा जैसा चीज़ें आगे बढ़ती आएंगी वैसे हम लोग उस हिसाब से देखते हैं क्या होता है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। सो थैंक यू। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड की एक स्केच बुक है, जिसमें मे भी लूज शीट्स हैं, और इससे हम लोग कुछ आर्ट का वर्क करेंगे, देखते हैं क्या बनेगा। बाकी क्राफ्ट का भी है यहाँ पे, और एक्रेलिक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑयल पेस्टल शीट्स हैं, सीजर्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हो। हाँ तो ये उठाना नहीं, बैग नहीं रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। है तो बहुत सारी चीज़, लेकिन इसमें लिमिट चीज़ें ही मैं यूज़ करूँगा, और कैनवस मेरा बड़ा मन कर रहा है जल्दी से बस हम लोग को बोला जाए, हम लोग काम करें। बाकी क्या काम होगा वो तो फिर फाइनल रिजल्ट बाद में आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिंथेटिक ब्रशेस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ क्राफ्ट की हैं, डिफरेंट टाइप के पेपर्स और बहुत सारी चीज़ें, एंड यहाँ पे कलर्स आप देख सकते हो, और यहाँ पे फूड स्टॉल भी है, आप देख सकते हो कॉटन कैंडी के स्टॉल है, और ये फूड ब्लॉगिंग के लिए है, बाकी ये तो मेरे उस पर नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हो गोलगप्पे के स्टॉल है। ये आप देख सकते हो, बाकी आप देख के समझ जाओगे सारी चीज़ें, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ के। एक होता ना कि जब आप कोई चीज़ सोचते हो कि क्या होगा, वहाँ पे कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है देख करके, और नए फ्रेंड्स बनते हैं जब आप किसी इवेंट पे जाते हो। अच्छी एक बेस्ट अच्छी बात ये होती है कि आपके नए फ्रेंड्स बनते हैं। एक दिल्ली में रह करके आर्टिस्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे मिलना नहीं हो पाता है, तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आर्टिस्ट से मिलता है, और कुछ नया कंटेंट क्रिएट होता है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारा मजे करेंगे, पेंटिंग्स करेंगे, बहुत सारी बातें एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आप देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, अभी मैंने एक आर्ट वर्क क्रिएट किया हुआ है, वो बस मैंने ऐसे बना दिया है, आप लोग देख सकते हो। सो उसमें ऑयल पेस्टल से मैंने काम किया है, और एक कैनवस पे है, जो यहाँ का बस एक नॉर्मल से एक व्यू है, जो मैंने यहाँ कोशिश की है उसको कैनवस पे निकालने की, तो एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक आर्ट वर्क क्रिएट किया और बस ऐसे ही जो माइंड में आया मैंने बस ड्रॉ कर दिया, और यहाँ का बस जस्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में उस चीज़ को। सो उसमें कुछ ग्रीन शेड्स, थोड़ा सा येलो में है एंड रेड में है, डिफरेंट टाइप के, और ज़्यादा डेप्थ तो नहीं क्रिएट की, जितना व्यू था उसके हिसाब से मैंने क्रिएट किया हुआ है, एंड कुछ फिगर्स को मैंने पूरा प्रॉपर फिल नहीं किया है, एंड कुछ बर्ड्स का मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा एक रियल वाला फील है उसमें। तो बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारे आर्टिस्ट वर्क कर रहे हैं डिफरेंट मीडियम में, कुछ मंडला में हैं, कुछ पेन वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग एक्रेलिक में, कुछ लोग कैनवस में वर्क कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। सो डिफरेंट टाइप के आर्टिस्ट हैं, कुछ लोग का कैलीग्राफी में वर्क चल रहा है, और आप लोग देख सकते हो।
सो हर दिल्ली से हर जगह से आर्टिस्ट आए हुए हैं और काफी अच्छा है, एक माहौल क्रिएट हो रहा है। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह से सबका ही काम डिफरेंट है, आप लोग देख सकते हो। तो काफी सारे आर्टिस्ट हैं और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके बारे में आप देख सकते हो। और यहाँ पे पेंटिंग भी डिस्प्ले करी गई है, यहाँ पे मेरी आप पेंटिंग देख सकते हो, वाटर कलर में है, एक ओल्ड मैन का फेस है, आप लोगों ने पहले देखा भी होगा। और यहाँ पे डिफरेंट पेंसिल में है, वाटर कलर में है और काफ़ी अच्छे से काम है, आप इस चीज़ को देख सकते हो, काफ़ी अच्छे ब्यूटीफुल वर्क्स हैं। और यहाँ पे भी कुछ और आर्टिस्ट के वर्क हैं, मैं दिखा देता हूँ। और आप लोग ये वर्क देख सकते हो, प्रज्ञा ने काफी अच्छा एकदम निकाल धर दिया है काम, ठीक है, काफी अच्छा ब्यूटीफुल आर्ट वर्क है। द बेस्ट पार्ट ये कि कलर काफी अच्छे यूज किए गए हैं, थोड़े वाइब्रेंट एंड वो आंखों को एकदम शो हो रहे हैं। और अभी कुछ अब्स्ट्रैक्ट में फॉर्म्स ट्रायंगल टाइप वो करते हुए, तो प्रज्ञा आपको कैसा लग रहा है मतलब यहाँ पे आकर के? बस ओके ओके थैंक यू। और अभी मैंने स्केच किया है ये सौम्या का, जो कि काम करते हुए, जो कि लड़की बैठी हुई है इधर साइड में अभी पानी पीते हुए, ठीक है। तो अभी कर दिया स्केच जो बन पाया, आप लोग देख सकते हो। और काफ़ी अच्छा इवेंट अभी तक जाते हुए, उम्मीद करता हूँ अभी बहुत सारी, अभी और भी आर्ट वर्क बनाऊँगा, तो देखते हैं इसके बाद क्या बन सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ पे और भी आर्टिस्ट हैं। और यहाँ पे एक मंडला वर्क करते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आपको आपको कैसा लग रहा है मतलब आ करके, क्या एक्सपीरियंस? मतलब फर्स्ट टाइम है मेरा मौज इवेंट ये। अच्छा, तो ये देखिए मजा है, अच्छा है, पीपल मिलकर सबसे अच्छी बात है, सब आर्टिस्ट है यहाँ पे, तो एक एक आर्टिस्टिक माहौल हो रखा है ना सारी चीजें, तो अच्छा लगता है काम करने में, अकेले में मजा नहीं आता है। हाँ। तो ये चीज है, बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो थैंक यू, सही बात है, सही बात है, ठीक। एक्सक्यूज मी, आप लोग का हो गया ना? और हम लोगों ने एक आर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, इसमें हम लोग को ये मॉल डे आउट के सारे इसमें कलर करने थे, तो हम लोग का ये ऑलमोस्ट 5 का ग्रुप था, उसमें एक तो डेमो वाला काम है, 5 ग्रुप था, तो हम लोग का काम ये है आप देख सकते हो। और हम लोग फर्स्ट विनर हैं इस चीज़ के, अभी देखते हैं क्या मिलेगा, बाकी पता नहीं,
हर सबका काम एक थीम पे है, आप सबके वर्क देख सकते हो इस तरीके से। तो बड़ी खुशी मिल रही है कि आते ही एक इवेंट में आपको फर्स्ट प्राइज मिल जाए, वो अच्छी बात है। तो इस तरीके से है आर्ट इनिशिएटिव इनोवेट एंड इंस्पायर। तो और यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे वर्क किए हैं, जो भी और भी आर्टिस्ट थे, ये मेरा एक ऐसे ऑयल पेस्टल में काम है, बस ऐसे सिंपल था, तो आप देख सकते हो। तो इसमें डिफरेंट टाइप के लोगों ने वर्क करे हैं, जिसको जो अच्छा लगा, जिसका जो बेस्ट है वो सबने किया है, सबने अपने एफर्ट डाले अच्छे, ऐसा कोई वो नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। सो अभी लंच टाइम चल रहा है तो हम लोग फ्री हैं, तो बट फिर भी मुझे लगता है कि टाइम को यूज़ क्यों ना किया जाए। और अच्छी बात है कि धूप चली गई है, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था धूप में काम करना, लेकिन ये एक अच्छी बात है। बीच बीच में अलग अलग स्टफ्स हैं एंड एक्टिविटीज हैं, तो वो सब चीज़ें इतनी माइंड नहीं होती, मतलब उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती हैं। तो ये सब कुछ है। और यहाँ पे भी कुछ लोगों ने आर्ट वर्क किया, आप देख सकते हो। जिससे जो बेस्ट हो पाया उसने किया है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यहाँ पे सौम्या और एक पेंटिंग करते हुए और बस लिख रही है, बहुत अच्छा है इसका कैलीग्राफी अच्छा है, बढ़िया है, लगे रहो। और यहाँ पे एक आरूसी जुड़ी है अभी आकर के, जिसने गणेश जी बनाया, काफी अच्छा है, ब्लू में जो उसने मोनोक्रोम में प्ले किया है, काफी अच्छा दिख रहा है। तो आरूसी आप क्या बोलना चाहोगे? मैं बहुत थक गई हूं। तो खाना खा लो जाकर। अभी खाना खाया और भूख लग रही है। ओके, बट एक अच्छी बात थी कि बहुत लेट आई उसने और बड़े स्पीड में पेंटिंग कम्प्लीट कर दी, वेरी गुड, सही है। और यहाँ मैंने दो तीन आर्ट वर्क क्रिएट करे हैं बट कर दिए, किस तरीके हो गए, क्या बनाया मैंने भूल गया। अच्छा हाँ, मैं दिखा देता हूँ अभी, जैसे मैंने आपको स्केच तो दिखाई था, एक सेकंड। अभी मैंने यहाँ पे ये चीज़ बनाई है, एक इलस्ट्रेशन जो सामने एक व्यू दिख रहा है, आप देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। बस कुछ ही मिनट, 10-15 मिनट्स में मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ है, वाटर कलर में पेन में, बस ऐसे ही हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। ये जो कैनवस है, ये कैनवस मतलब थोड़ा बेस अजीब ही है इसका, ब्लैक टाइप है। ये पता है क्या है, वो जो गोल्डी बोर्ड्स नहीं होते, जो गोल्डी यार, पता है इनको क्या करना चाहिए था, जब ये दे रहे थे ना ये एक्टिविटी साथ ही, दोबारा से पूछ लेते कॉल करके ना। बात बताऊं, वो जो हमारा डब्बा नहीं था जिसमें हम वो क्राफ्ट के लिए लेके गए, उसके अंदर इतने सारे सूखे पत्थर हो चुका है, उसको खराब हो गया।